बड़ी शानदार बहुत प्यारी बात बोली गई है, जिंदगी में अगर इंप्लीमेंट कर ली तो आप लोगों को आप लोग का गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। बोला जा रहा है कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करनी चाहिए, जब तक रिजल्ट न आ जाए तब तक कोशिश नहीं छोड़नी है। अगर आप लोगों ने बीच में ही कोशिश छोड़ दी और आप लोग दुनिया को बताओगे कि यार मैंने तो बहुत सारी कोशिश की थी, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई किया करता था, डेली आंसर राइटिंग किया करता था, डेली ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था, लाइब्रेरी में इतने टाइम बैठा करता था, बस सोने का टाइम बहुत कम था, कोई नहीं सुनने वाला है भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को और किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है एक सही मुकाम पर पहुंचे और आप लोग की जो गोल है उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाए सोसाइटी में कि हाँ ये इस मुकाम पर पहुंचा हुआ इंसान है, तो आप लोगों को जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है फाइनल तब तक लगे रहना पड़ेगा, यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोरा हमार, यानी कि जब तक रास्ता न बन जाए पहाड़ के अंदर से तब तक रुकना नहीं है। और उसमें चाहे आप लोगों के सामने गर्मियां आए, चाहे आप लोगों के सामने सर्दियां आए, चाहे बारिश आए, अभी पता है आप लोगों को कितनी सर्दी हो रही है, अभी पेन पकड़ते हुए हाथ जो है वो कांपता है, ठीक है, तो ये वाली सर्दी आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई सारे बच्चे जो है वो रजाई में लेटकर लेक्चर सुनते हैं, कई सारे बच्चे जो है आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग वाला जो लेक्चर आता है उसको अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग अपने सिलेक्शन को लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉपर वे में कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। कोई नहीं चले रजाई में आप लोग बैठ रहे हैं, पर कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। और अगर और थोड़े से अच्छे जोश में आ जाओ तो अपना जूते वगैरह पहन के अपना टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ो तो आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि रजाई में जैसे गुस्सा होता है ना इंसान तो आराम आराम से फिर गुस्सा ही चला जाता है। तो अगर उससे आप लोगों को बचना है तो कोशिश ये करनी है कि अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर अगर आज तक दुनिया में किसी ने कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, जो जो इंसान कंफर्ट जोन में रहे ना वो हमेशा दूसरों को मिसाल देते हैं कि यार वो इंसान ना ये कर रहा है, वो हमेशा लोगों की बातें करते रहते हैं, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग रिजल्ट चाहते हैं तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आप लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है वो परिणाम को सलाम करती है, कोशिशों को कोई नहीं, क्योंकि कोशिश तो इंसान करता करता रह जाता है पर लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब आप लोग देखिए आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं और आप लोग अपने आप को कैसे उस जोन में लेकर आएंगे जहां से कि आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकें। एक इंपॉर्टेंट बात यार, शाम जो है कल आप लोगों की वीडियो ये टर्मिनेट हो गई थी तो उसकी वजह से यहाँ पर लास्ट में कुछ आप लोगों का डिस्कशन बच गया था, उसको आप लोग कंप्लीट करूंगा आज में, टेंशन मत लेना। रीजन ये रहता है कि वीडियो फिर से बना दूं पर लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि अगर फिर से रिकॉर्ड करने बैठ जाता मैं इसको तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता और फिर सुबह को आप लोगों की जो वीडियो आती है 6:30 बजे वो नहीं आ पाती, बस ये एक रीजन रहता है। वरना आप लोगों को पता है मैं कभी भी इस चीज में आलस नहीं मानता हूँ कि कोई आवाज नहीं आ रही है या फिर कुछ हो गया वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये है कि थोड़ा सा बस मुझे लगता है कि एक पैटर्न खराब हो जाता तो इसकी वजह से, वरना रिकॉर्ड तो मैं उसको कर देता, तो यही था बस, मैंने लगा कि जो भी बचेगा उसको आर्टिकल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और अगर फिर भी कुछ बचेगा तो संडे वाला टाइम इसीलिए तो होता है, संडे में जो आप लोगों का डिस्कशन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगता है खासकर जो बच जाते हैं वीकेंड में ज्यादा टाइम नहीं होता है तो उनको फिर हम लोग संडे में कवर कर लेते हैं, तो संडे इसीलिए आप लोगों का रखा गया है। तो संडे में दो काम आप लोग करने होते हैं, एक तो वो लेक्चर सुनना होता है जो बनाता हूं और इसी के साथ में अपना सारा रिवाइज करना होता है, तो ये काम आप लोग कंटिन्यूअसली फॉलो करके चलिए, ठीक है। और ये जो वीडियो मॉर्निंग में आती है ये आप लोगों ने देखा एक तरीके से एग्जैक्ट टाइम पर आप लोगों का टाइम टेबल बना दे रही है, 6:30 बजे डेली इसको अपलोड कर देता हूं। इससे क्या होता है जो बच्चे मॉर्निंग में मेरे साथ उठना स्टार्ट हो गए हैं तो उनका एक शेड्यूल बन गया, एक पैटर्न बन गया और वो पैटर्न जो है उनको काफी फायदा पहुंचा रहा है। एक बच्चे ने बोला कि सर आखिर आपने सुबह उठना सिखाई दिया, यार मैं नहीं सिखाया सुबह उठना, क्योंकि मैं तो इतने सारे बच्चों को बोल रहा हूँ सब तो नहीं उठे, आप उठे तो इसलिए आपने सीखा है, आपने हिम्मत की है, क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ सबको पढ़ाता हूँ पर सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, सिलेक्शन कुछ ही का होता है, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो एक एक बात को मानते हैं और प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, जो प्रॉपर चीजों को लेकर चलते हैं, तो इसलिए बोलता तो मैं सबको सुबह उठ जाऊं पर लेकिन कुछ ही उठ पा रहे हैं, कुछ ही अपने पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हैं। और सुबह को उठने का देखिए बेसिक पर्पज ये कि एक अच्छी नींद के बाद में जब आप लोग उठते हैं ना तो आप लोगों का माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना वो आप लोगों को याद रहता है, पर लेकिन पहले दिन से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा पर जैसे जैसे आप लोग उठना स्टार्ट कर देंगे आप लोगों की आदत बन जाएगी। स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत भारी लगेगा, उसके बाद में आप लोगों को लगेगा छोड़ देते हैं और उसके बाद में आप लोगों को लगेगा वाह यार ये तो बड़ी सही चीज है, दिन इतने पहले स्टार्ट हो जाते हैं कि जब लोग उठे भी नहीं है तब तक मैं बहुत सारा काम निपटा चुका हूं या निपटा चुकी हूं, तो इससे आप लोग अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन डायरेक्शन दे पाते हैं। तो ये है बेसिक पर्पज, आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और अपने टारगेट को सही डायरेक्शन में लेकर चलोगे।
तो टकटकी लगाकर लेक्चर देखेगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है जिससे आप लोग अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे और बहुत कुछ नई सारी चीजें आप लोग सीख पाएंगे। बात की जा रही है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो 30 करोड़ वर्थ का यहां पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिशन क्या है यहां पर, इस मिशन का नाम बताना है जिसके तहत यहां पर 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, ठीक है। 30 रुपए नहीं, यहां पर ये 30 करोड़ है, ठीक है। 30 रुपए में तो आज के डेट में टिफिन भी नहीं आता है। पुराने टाइम पे जब रहा करते थे मतलब रूम लेके, वहां पर टिफिन भी जो था वो 35 से 40 रुपए में मिला करता था, ठीक है। और आप लोग चारों की पूरा मिशन जो है वो 30 रुपए में लग जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो एम है वो एम ये है कि 40 बिलियन की जो मार्केट है उसको हम लोग आज के डेट में कैप्चर कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाकर 50 बिलियन कर रहे हैं। तो कब तक ये 50 बिलियन करने हैं, और ये डॉलर में बात की जा रही है, यहां पर इसको आगे लेकर चलेंगे तो आज की डेट में इसको 70 से और मल्टीप्लाई कर लेना अगर आप लोगों को रुपए में देखने का शौक है। तो जो भी मैं डॉलर में बताता हूं 70 से मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए, हालांकि वो 72-73 भी हो सकता है, पर लेकिन आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो यहां पर प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, ये है बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कितना है, और ये टेक्निकल टेक्सटाइल होते क्या है, अगर किसी को पता है तो वीडियो को पॉज कर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए एक तुक्का मारिए, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल, चलिए थोड़ा सा बताता हूं क्या होता है। जैसे आज के डेट में नॉर्मली कपड़े पहनते हैं आप लोग, अपना शर्ट हो गया, पैंट हो गया, ये टेक्सटाइल की कैटेगरी में आता है। पर लेकिन अगर बोलूं गाड़ी आप लोग लिए हैं, गाड़ी की जो एक तरीके से सीट होती है, ठीक है, गाड़ी का जो हैंडल होता है उसके ऊपर जो उन्हें एक लेदर का कुछ कवर सा चढ़ा रहता है, ठीक है, या फिर बाइक की आप लोगों की जो गद्दी होगी उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हो गया, तो ये सारी जो गल्ब्स वगैरह हो गए ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और एक अंदाजा लगाइए, तुक्का मारिए, चलिए देखता हूं किसके साथ तुक्का सही बैठता है, कि टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस कितना होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। कुछ तुक्का इससे भी लगा सकते हैं आप, हमारी कंट्री जो है वो 40 बिलियन आज की डेट में यहां पर व्यापार करती है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग कितना होगा एक अंदाजा लगाइए चलिए आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसको बढ़ाने की बात की जा रही है आगे आने वाले टाइम में। और कितना प्रतिशत है ये अगर आप लोगों को बताया जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारी कंट्री में रूल है, ये किस ईयर में आए थे, जिसके तहत हम लोग जो फालतू की जो चीजें होती हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, समझेंगे इसके बारे में। वेब के बारे में बात करूंगा, एक शानदार आर्टिकल होगा, सुनकर आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे, इस तरीके का टॉपिक है, मजा आ जाएगा। आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक रिवोल्यूशन आने वाला है जिससे बहुत कुछ आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर यह बताना है कि यहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, यहां पर वेब 3.0 जो कि अभी हमारी कंट्री में इसको रोल आउट करने की भी बात की जा रही है। अगर मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि अभी फोकस कर रही है यहां पर स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के बारे में, और इसी के साथ में यहां पर नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज के बारे में। आखिर क्या है ये दोनों चैलेंज, इनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, समझेंगे अच्छे से। कौन सा मंत्रालय है जो कि बात कर रहा है ओपन डेटा वीक के बारे में, इसके तहत एनक्रेज किया जा रहा है लोगों को ताकि लोग जो है वो डेटा को इस तरीके से रखें और प्रोवाइड करा जाए ताकि हर एक पर्सन अगर कुछ उसको यूज करना चाहता है वो सबके लिए अवेलेबल हो। यानी जैसे मैंने मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में लेक्चर अपलोड कर दिया, ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो कि एसएलबी फैमिली के साथ में जुड़ा हुआ है। कोई भी आकर किसी भी टाइम लेक्चर को देख सकता है, आगे पीछे करके लेक्चर को देख सकता है, तेज देख सकता है, उसके नीचे कमेंट कर सकता है, उसको चाहे तो लेक्चर को मतलब नहीं लाइक कर सकता है, ये सारे ऑप्शन आप लोगों के पास में होते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया तब तक मेरे कंट्रोल में रहता है, उसके बाद में आप लोग चाहे तो इसको अपने हिसाब से जैसे तोड़ मोड़ सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट लेक्चर हो गया और हर एक के लिए ओपन है ये, इस धरती पर कहीं पर भी अगर कोई कहीं रहता है तो वो इस लेक्चर को देख सकता है अगर उसके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है या फिर लैपटॉप है। तो ये है बेसिकली, इसको कहते हैं ओपन सोर्स अवेलेबल डेटा, ठीक है। तो ओपन डेटा जो है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जो इसके प्रमोशन के बारे में बात कर रही है, तो समझेंगे इसके बारे में। कौन सा चैलेंज है जो कि फर्स्ट वीक में नवंबर में 2020 में लॉन्च किया गया था और अभी न्यूज में है, यहां पर इसे बात की जा रही है कि एक तरीके से जो हमारी सिटीज हैं उनको इस तरीके से बनाना है ताकि वहां पर लोग जो है आराम से घूम फिर सकें। तो क्रिएट वॉक फ्री, एक तरीके से वॉक फ्रेंडली स्ट्रीट बनानी है, यानी कि ऐसा नहीं कि वहां पर दुनिया भर के रेडी लगे हुए, ठेले लगे हुए, लोग भीख मांग रहे हैं, वहीं पर सामान बेच रहे हैं सड़कों पर बैठकर, तो उसको हटाना चाहिए ताकि ये लोगों के आने जाने का रास्ता बना रहे और उसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं तो उनको रोका जाए। तो इसके बारे में बात करनी है, तो इस चैलेंज का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। और बाकी वीडियो के एंड में आप लोगों से जो कल का क्विज है वो मैं डिस्कस करूंगा, तो टेंशन मत लेना, छूटने वाला कुछ नहीं है, जब तक मैं हूं टेंशन मत लिया करो, ठीक है। करंट अफेयर के साथ में जो बैकग्राउंड स्टेटिक है ना वो तो कभी यार आप लोगों को मार नहीं खाने दूंगा एग्जाम में, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूं। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा जो बच्चों के सिलेक्शन होते हैं वो मेल करते हैं, बस आप लोगों को यह नहीं कंटिन्यूअसली आप लोगों को सुनते रहना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, और उसके बाद तो आप लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा आर श्रद्धा क्या कहते हैं कई सारे नाम होते हैं इस तरीके, श्रद्धा पूजा आरती बाकी जो भी आप लोग मानो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। आगे अगर चाहते हो अपना आपको अपडेट करना तो कंटिन्यूअसली रखना, वरना सिलेक्शन तक बस अपना बस ये लेक्चर का हाथ थामे रखो, फिर देखो आप लोग कितना मजा आता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। ओके आइए आगे बढ़ते हैं।
अब डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आने वाला है। बात की जा रही है यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जीएस पेपर 3 के अंदर यहां पर ये टॉपिक जो है ये कवर कराया जाएगा। और बात करेंगे यहां पर नेशनल टेक्सटाइल बेसिकली मिशन के बारे में। नेशनल टेक्सटाइल मिशन यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे देश में। बेसिकली इसका पूरा पर्पज है कि 2024 से लेकर 2024 तक का अपनी कंट्री को एक ऐसी देश बनाना जहां पर टेक्सटाइल के फील्ड में, खासकर टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में, हमारा देश जो है वो अपने आप जो मटेरियल यूज करता है वो तो यूज करे ही करे, आने वाले टाइम में यहां पर जनता जो दूसरे देशों के लिए हम लोग इसको एक्सपोर्ट यानी कि बेचते हुए भी, व्यापार करते हुए भी नजर आए। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है काफी इंपोर्टेंट है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के अंदर यहां पर इसको कवर किया गया। तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है नेशनल टेक्सटाइल मिशन के तहत में। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट है, किस किस एरिया में यहां पर काम करेंगे, तो ये जो है यहां पर आज के डेट में इसके बारे में बात की जा रही है। डिटेल में सारी बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है यहां पर जो बेसिकली इसको देखने वाली है वो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो श्री जो पीयूष गोयल साहब हैं उनके द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की गई कि इसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट और ग्रोथ करना है। तो सारी बातें एक एक समझोगे तो आप लोग क्लियर करते हुए चलोगे। बात कर लेते हैं पहले एक बार टेक्सटाइल के बारे में, आखिर भाई साहब ये टेक्सटाइल होता क्या है। अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊं थोड़ा सा इसका नजराना, ये जो स्ट्रीट यहां पर बनी हुई है ये टेक्सटाइल की बनी होती है, ये जो गल्फ्स यहां पर बने हुए हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के हैं, ऐसे कुशन वगैरह जो आप लोगों को ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल को क्या अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है? जी हाँ, इसको बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। सारी बातें एक एक कर हम लोग जानते हुए बढ़ेंगे जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर लेकिन पर्पज क्या है आप लोग ये समझिए, आज के में हमारी कंट्री में गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो गई। जब गाड़ियां बनना स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, उन गाड़ी की जो सीट है उसका जो गद्दी का जो कवर है वो बनेगा, हैंडल का जो कवर है वो बनेगा, और भी प्लास्टिक का जो मटेरियल वहां पर लगा हुआ है वो सारी चीजें, टायर हो गए, सारी चीजें ये हमारे देश में बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेक्निकल टेक्सटाइल की खपत जो है वो देश में बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो देश जो है वो अलग अलग एरिया में ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो अलग अलग एरिया से निकल कर आते हैं। जैसे यहां पर बात करें, यहां पर ये हो गया इंडियो टेक, ये हो गया मोबाइल टेक, ये हो गया प्रोटेक, ठीक है, ये हो गया मिड टेक, बुल टेक, जियो टेक, एग्रोटेक, तो बहुत सारे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को यहां पर मोबाइल टेक के बारे में, तो मोबाइल टेक का मतलब क्या हो गया, ये रेफर किया जाता है जैसे कि जो भी प्रोडक्ट अगर गाड़ी बनाने में यूज होते हैं, जैसे सीट बेल्ट हो गई, ठीक है, या फिर एयर बैग हो गया, या फिर यहां पर एयरप्लेन सीट हो गई, ये सारी जो होती है यहां पर ये टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट मुद्दा। तो टोटल मिलाकर 12 ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर हैं जो कि आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं, जिसके चलते एग्रो टेक हो गया, मिडी टेक हो गया, बिल टेक हो गया, मोबी टेक हो गया, क्लोड टेक, ओक टेक, जियो टेक, यहां पर पैक टेक, ये होम टेक, प्रो टेक, इसी के साथ में इंडियो टेक, और यहां पर है स्पोर्ट टेक। इनके जैसे स्पोर्ट के मटेरियल हो गए, आप लोगों ने बनाते हैं कई बार स्पोर्ट्स के बैग हो गए, या फिर ग्लव्स वगैरह हो गए, या फिर पैड बनाते हैं, तो वो सारी इस कैटेगरी में आती है। तो सोचो कोई भी एरिया ऐसा नहीं बच गया है जिसको इससे बाहर रखा जाए। अगर आज की डेट में हम लोग टेक्सटाइल के फील्ड में काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये सारी चीजें जो है इस फील्ड में हम लोग एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ही होगी, वो जो बिजनेस होगा वो हमारे ही देश के लोगों को बेसिकली सप्लाई प्रोवाइड कराएगा और हमारे ही देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब प्रोवाइड कराएगा। बाहर से जो माल मसाला हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे थे वो हम लोगों को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, वरना क्या करते हैं भाई साहब, चाइना का बना हुआ सामान लेकर आ जाते हैं और अपने देश में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, चाइना के कंट्री में वो सामान बनेगा, वहां पर लोगों को जो मिलेगी उनके पास में पैसा जाएगा, हम लोग क्या करें, बना बनाया खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बना बनाया अगर खाओगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं रिविजन जो है ना वो हमेशा अपने आप करो। अगर रिविजन भी मैं ही करा दूंगा ना तो एग्जाम में बैठकर आप लोग कुछ याद नहीं आने वाला है। कम से कम इतना तो मैं कराई देता हूं, आज जो डिस्कस किया एक बार उसका ओवरव्यू दे देता हूं वीडियो के एंड में, इसके बाद में कल को आप लोगों का क्विज करवा देता हूं। 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन तो मैं करवा देता हूं और एक रिवीजन मैं आप लोगों का महीने में करवा देता हूं, जो आप लोगों की मंथली वीडियो आती है। इसके बीच में जो रिवीजन करना है वो वीक में आप लोग कम से कम एक रिवीजन आप लोग खुद से कर लेना है, तो लंबे समय तक चीजों को रख पाओगे। अगर वो वीक वाला भी रिवीजन मैं ही आप लोग करा दूंगा ना यार, आप ना कभी भी एग्जाम में चीजों को याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कम से कम वो रिवीजन आप करो, क्योंकि रिकॉल करने की पावर आप लोगों की तभी बढ़ेगी जब खुद से चीजों को आप लोग याद करोगे, ठीक है। तो यहां पर टेक्निकल टेक्सटाइल जो है अगर यूज हो रहा है काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में, या फिर पर्सनल जो प्रोटेक्शन में भी, यहां पर जैसे नहीं आज के में आप लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं ये सारी चीजें, तो टेक्निकल टेक्सटाइल अगर हमारी कंट्री में खपत बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन देश के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जब नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आने की बात की गई तो काफी कुछ बोला गया यहां पर इसके अंदर खर्च किया जाएगा, जिससे कि देश के अंदर में ये सारी चीजें हम लोग अपने आप बनाने लगे। और फायदा क्या है, अगर कल को हम लोग ये अपने आप बनाने लगते हैं
तो यहां पर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो व्यापार चल रहा है तो काफी बड़ा पोर्शन हम लोग इसमें बेसिकली यूज कर पाएंगे। तो लगभग 40 बिलियन आज की डेट में हमारा व्यापार है यहां पर, इसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट है। इसको हम लोग 50 बिलियन ले जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि 10 बिलियन का इंक्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं 2024 तक का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और मिशन जो है यहां पर ये ऑपरेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो इससे फायदा ये देखने को मिलेगा अगर इसको ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट कर ले जाएंगे टाइम रहते हुए, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे एरिया में हम लोग प्रोडक्टिविटी नजर आएगी हमारी, यानी कि कई सारे एरिया में हम लोग आज के डेट में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारी कंट्री में जॉब बढ़ेगी, हमारी कंट्री में जो बेसिकली मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी, तो उनका भी व्यापार हमारे देश में आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो फंडा क्या है? फंडा यह है कि हर एक एरिया में हम लोग ढंग से काम यहां पर कर पाएंगे। इसमें अगर मैं आप लोग कुछ और उदाहरण देना चाहूं, अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका अलग अलग एरिया डिवाइडेड यहां पर रखा है। सबसे ज्यादा अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग यहां पर मोबाइल टेक देखने को मिलेगा। मोबाइल टेक पहले नंबर पर आप लोग यहां पर आज के में नजर आएगा। तो इसके बारे में याद रखिएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसके अंदर जैसे सीट बेल्ट हो गया, फिर सीट की गद्दी, वो सारी चीजें, तो ये सबसे ज्यादा आज के में देखने को मिलता है मोबाइल टेक। फिर यहां पर आप लोगों को इंडू टेक देखने को मिल रहा है 16% के करीब। और तीसरे नंबर पर यहां पर स्पोर्ट टेक। तो ये तीन कम से कम जो हाईएस्ट कैटेगरी में है इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और अगर कहीं एग्रीकल्चर के बारे में लिखने के लिए भी आ जाए तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देख पाएंगे यहां पर टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर, तो सारी बता दी। एग्री टेक में अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर हो गया, लैंडस्केप, यहां पर गार्डनिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल कीपिंग, तो ये सारी आ जाएगी। इसी के साथ में बात करें जैसे क्लोथ्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, अगर बात करें क्लोथ्स टेक के बारे में, तो जो गारमेंट्स हो गए या फिर शूज वगैरह हो गए, तो इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहां पर, देखिए अलग एक एक उदाहरण आप लोगों के सामने, होम टेक के बारे में बात करें तो फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह आप लोग नहीं आज के में मॉड्यूलर किचन आप लोग बनवाते हैं, वो सारी कैटेगरी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट टेक के अंदर जो सारी चीजें आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगी, बेसिकली जो पहना जाता है, जिससे खेला जाता है, वो सब चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो टेक्निकल टेक्सटाइल जो है ये अलग अलग एरिया में फंक्शन करता हुआ नजर आता है। तो अगर देश के अंदर में टेक्निकल टेक्सटाइल बढ़ना स्टार्ट हो गया तो ये समझो कि देश जो है वो ग्रोथ यानी कि प्रगति पर चलना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए यहां पर इसको काफी ज्यादा सपोर्ट आज के डेट में किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, कई तरीके टेक्सटाइल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि एक तो यहां पर एंटी बैक्टीरियल, इनके अंदर कभी बैक्टीरिया वगैरह आप लोगों को जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एंटी स्टेटिक, इलास्टिक भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस रहते हैं, आग कई बार इनके अंदर नहीं लगती है, ठीक है। इंसेक्ट रिपेलेंट यानी कि इनके अंदर कोई ऐसे भी कीट पतंगे आप लोगों को जल्दी से देखने को मिलेंगे। खासकर अगर बात करें जो गद्दियां होती है हमारी, कोई लाइलोन की बनी हुई है, ठीक है, तो बदबू आने के चांसेस काफी कम रहते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उसको भी रेजिस्टेंस करते हुए ये आप लोगों को पाए जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर इनको ढंग से हम लोग अपने देश में प्रॉपरली इनको बना पा रहे हैं और ढंग से इनको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो सोचो कितने लार्ज स्केल पर हम लोग अच्छे से चीजों को आगे लेकर बढ़ पाएंगे। लग रहा है कि आप लोगों को नहीं लग रहा है, तो ये एक तरीके से कहने के लिए एक एरिया है, पर लेकिन ये देखो कितने सारे एरिया में यहां पर आप लोगों को व्यापार बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो अभी काम क्या करने वाले हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके चार जिनके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। पहला कंपोनेंट यहां पर यह कि हम लोग का फोकस रहेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में। कल को अगर टेक्निकल टेक्सटाइल बनाना है किसी भी एरिया के लिए, तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सो जाएंगे, मुंगेरी लाल के सपने आएंगे और कल को हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। हम लोग को प्रॉपर वे में उसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर कैसे काम करना है, तो 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, ताकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी कि हम लोग लोकल अपनी मशीन, अपनी टेक्नोलॉजी खुद की बना सके। यानी कि भाई साहब किसी की कॉपी करते घूम रहे हैं, किसी का सामान लेकर आ रहे हैं, नहीं, अपना खुद का बनाना है, अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। तो पहला कंपोनेंट तो ये कि भाई साहब रिसर्च और डेवलपमेंट करो और जिंदगी को बल्ले बल्ले मजे करो। सेकंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि प्रमोट करना है और डेवलपमेंट करना है बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूज भी करें उसको, कॉमन लोग भी यूज करें और बाकी तो इंडस्ट्री में तो यूज हो ही रहे हैं। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करें। आज की डेट में लगभग 14,000 करोड़ हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट पहुंच गया, इसको जल्दी से जल्दी 20,000 करोड़ ले जाने की बात की जा रही है। और आने वाले टाइम में लगभग बोला जा रहा है कि हर साल हम लोग 10% का ग्रोथ इसके अंदर चाहते हैं। अगर 10% का ग्रोथ यहां पर टेक्निकल टेक्सटाइल में आएगा तो सोचो इंप्लॉयमेंट में साथ साथ में कितना ग्रोथ आएगा। तो लोगों को जॉब मिलेगी जिसकी काफी ज्यादा किल्लत है आज की डेट में मार्केट के अंदर में। नंबर फोर्थ ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, एजुकेट करना, लोगों को ट्रेन करना और स्किल डेवलपमेंट देना, तभी तो टेक्निकल टेक्सटाइल में लोग काम कर पाएंगे। वरना टेक्निकल टेक्सटाइल में लोग कैसे काम कर पाएंगे अगर प्रॉपर वे में उनको एजुकेट ही नहीं किया जाएगा और प्रॉपर वे में उनकी ट्रेनिंग ही नहीं की जाएगी। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई आप लोगों से पूछ ले भाई साहब ये तो बताओ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या इसकी सिचुएशन चल रही है, तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं यहां पर तो आप लोग सुनकर हैरान होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी जो मार्केट है वो लगभग 250 बिलियन की मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 250 बिलियन की मार्केट में से हमारी कंट्री में ओनली 8% शेयर आज का देखने को मिलेगा, लगभग 40 बिलियन, जबकि दुनिया की अगर बात करें हम लोग 17% पॉपुलेशन है, यानी कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है, तो कम से कम 16-17% तो हमारा होना चाहिए था ना इसके अंदर, क्योंकि सारा यूज तो हम ही कर रहे हैं, हमारे अंदर कंट्री के अंदर बाइक आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, कार आ रही है, या फिर अलग अलग जो चीजें यूज कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ही ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट, और हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम लोग अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाएंगे, तो बाहर से खरीद कर लेकर नहीं आना है, अपने ही देश में बनाना है, तो उसी के चलते बात की जा रही है कि इसको आगे लेकर चलना है और ग्रोथ यहां पर देना है। करंटली जो है 8% का यहां पर एनुअल ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये जो ग्रोथ है यहां पर ये आने वाले टाइम में 15-20% का होना चाहिए हमारे देश के अंदर में, और जो आज के में हम लोग लिए बैठे हैं लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना 8%। तो यहां पर जो बिगेस्ट प्लेयर है जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया और यूएसए हो गया, ये 20-40% शेयर आप लोगों को यहां पर इनका देखने को मिलेगा, तो इसके चलते काम करना काफी ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में, क्योंकि जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे कई सारे एरिया को फायदा पहुंचाता हुआ आगे चलेगा। अगर इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई गई थी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो कि काफी इंपोर्टेंट स्कीम थी। मतलब क्या था इसका? इसका मतलब ये था कि प्रोडक्ट बनाओ तुम यहां पर, हम तुमको टैक्स में छूट देंगे, जो इनके ऊपर टैक्स लगता है ना, हम तुमको टैक्स में यहां पर छूट देंगे, इनके द्वारा ये बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी के साथ में सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे जहां जहां पर जरूरी है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इसमें काम करें, तो मैन मेड फाइबर अगर निकल कर आता है, गारमेंट्स टेक्सटाइल अगर बनते हैं हमारे देश में, तो कल को चलकर कपड़े वाला उद्योग भी है ना, बांग्लादेश में इतनी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बांग्लादेश में इतना सारा लार्ज एरिया है इसके पर्टिकुलर फील्ड में कि हमारी कंट्री को वो टक्कर देते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। और एक बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके ऊपर अलग से टॉपिक भी बनाया जा सकता है, ये है बेसिकली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको HSN कोड बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने QR कोड के बारे में सुना होगा, जिसको क्विक रेस्पॉन्स बोलते हैं। QR क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है, जिसको स्कैन करते हैं कई बार आप लोग। ऐसे ही यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर में अगर बात करें, हार्मोनाइजिंग यहां पर बेसिकली हार्मोनाइजिंग जो यहां पर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये है HSN कोड, इसको बोलते हैं। HSN कोड क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं, फायदा क्या रहता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर HSN कोड लग गया, मान लीजिए कोई HSN आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी प्रोडक्ट पर लग गया, तो सबसे पहले बताएगा कि यहां पर ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट टू जो लेटर होते हैं यहां पर ये बेसिकली उसका चैप्टर होने, चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि ये बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा दो आप लोगों को देखने को मिला, रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर हेड, जो बेसिकली हेडिंग होती है, नंबर ऑफ मटेरियल, किस तरीके से यहां पर ये चीजें इसके अंदर में। जो दूसरे दो नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो बताएंगे यहां पर कि मटेरियल प्रोडक्ट का कोड क्या है यहां पर, और जो लास्ट के दो नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो यहां पर बताएंगे कि ये किस तरीके से यहां पर इसको डिविजन किया गया, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द, जो सब जो यहां पर डिविजन और कोड मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप लोग एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर HSN कोड देखने को मिलेगा, तो उस HSN कोड के बेस पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल कैसा है, कहां से आ रहा है, किस कैटेगरी में है और कहां बेचा जा रहा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इनपुट या फिर जो आउटपुट होता है उसमें आप लोग याद रखिएगा HSN कोड यहां पर यूज कहते हैं। और ये HSN कोड इन इंडिया अगर आप लोग बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही, यहां पर जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा 1971 से यहां पर यूज किया जा रहा है HSN कोड, और 1968 के अंदर में क्लासिफाइड किया गया था कमोडिटी फॉर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। लेटर आज की डेट में बात करें तो इसके लिए दो मोर डिजिट यहां पर ऐड की जा रही है, जिसके तहत यहां पर हम लोग 8 digit का इसको क्वालिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया है कि यहां पर कहां कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो ये HSN कोड जो है ये अलग से एक टॉपिक है, अगर कोई पूछ ले तो इसके बारे में याद रखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर डेडिकेट किया जाता है 207 HSN कोड टू टेक्निकल टेक्सटाइल, ताकि इनको जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है या फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको हम लोग समझ सके, उसको हम लोग एक तरीके से ना उसको जान सके कहां कहां पर क्या क्या चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ भी कालाबाजारी चल रही है, तो कालाबाजारी को रोकने का भी एक तरीका है। बाकी यहां पर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, जी हाँ, कई सारी सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो FDI का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे अगर बात करें यहां पर एलस्ट्रोम, जॉनसन जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन, ये बेसिकली ये इंडिया के अंदर भी आने वाले टाइम में अपने ऑपरेशन जो है वो इनिशिएट करने वाले हैं। अगर बात करें यहां पर टेक्नोटेक्स के अंदर में यहां पर, तो फ्लैगशिप जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा कोलैबोरेट किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में, ताकि इस फील्ड में हम लोग काम कर सके और अपने ही देश में अपना ही माल बना सके। और अमेंडमेंट किया गया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन
फंड जो स्कीम के अंदर में, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट और इसी के साथ में इनडायरेक्टली प्रमोट कर सके इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री के अंदर में, ताकि हम लोग आगे आने वाले टाइम में इस फील्ड में बादशाह की उपाधि हासिल कर सके। ठीक है, यानी कि खरीदना नहीं है, बेचना भी है। ठीक है, तो अपन बेचेगा, अपन खरीदेगा नहीं, अपन बेचेगा। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो पूरा आर्टिकल डिटेल में मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा। फीडबैक जरूर दिया करो, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर आप लोग बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लेक्चर कैसा लगा। हर एक आर्टिकल के बारे में फीडबैक आप लोग दे सकते हैं कि सर ये आर्टिकल ऐसा था, इस आर्टिकल में ये दिक्कत रही, तो उसके बारे में आप लोग जरूर बताया कीजिए। ठीक है, तो अच्छा लगता है अगर आप लोग फीडबैक देते हैं, तो पता चलता रहता है कि पढ़ाया कैसा जा रहा है। ओके, आगे बढ़ता हूं। ये भी काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा घरों में आप लोग रंग करवाते हैं, पुताई करवाते हैं, तो अलग अलग तरीके के डब्बे आप लोग उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पेंट्स वगैरह आप लोग लेकर आते हैं, और फिर यहां पर क्या होता है, उनको इधर उधर फेंक दिया जाता है जब उनको यूज कर लिया जाता है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की, खासकर जो आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए दरवाजे लग रहे हैं, खिड़कियां लग रही हैं, उसी के ऊपर पूरी दीवारों पर जो पेंट हो रहा है, उसकी दुनिया भर के ऐसे डब्बे आते हैं, उनमें से दुनिया भर के केमिकल उनके अंदर मिले रहते हैं, और फिर उठकर उनको ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर एयर पोल्यूशन के थ्रू, वाटर पोल्यूशन के थ्रू, या फिर दूसरे तरीके से हमारी ही बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, और फिर हम ही को बर्बाद कर जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उन्हें कहते हैं कि अपना ही कब्र अपने आप खोद रहा है इंसान। जैसे नहीं बोलू मैं आप लोगों को, बोलू कि एक्सरसाइज करनी चाहिए आप लोगों को डेली प्रॉपर, एक अच्छी स्लीप आप लोगों को लेनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर। अगर ये काम कोई इंसान नहीं कर रहा ना, वो अपनी ही कब्र अपने आप खोद रहा है, यानी कि अपने आप ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले कोशिश करो कि गुनगुना पानी पियो। ठीक है, अगर जैसे कि सर्दी आ रखी है तो हल्का सा अदरक उसके अंदर डाल सकते हैं, हल्का सा शहद आप लोग डाल सकते हैं उसके अंदर में, तो ये आप लोग के गले को भी खोलेगा और आप लोगों को भी अच्छा रखेगा। शाम को जब सोते जाते हो आप लोग बिस्तर पर, तो कोशिश करो अगर दूध आप लोग पी रहे हो तो उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लो, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, बॉडी को भी गर्म रखेगी, और इसी के साथ में ये काफी एक बड़ी एक औषधि का भी काम करती है हल्दी। हालांकि लगेगा कई सारे बच्चों को टेस्टी नहीं लगता है, देखिए हर चीज ना हर स्वाद अच्छा नहीं होता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को सुनकर आप लोगों को, हालांकि ये चीजें थोड़ी हैरानी होगी, जिंदगी में हर वो चीज जो आप लोगों को थोड़ा सा इरिटेट करती है वो आप लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। मॉर्निंग में उठते टाइम आप लोगों को इरिटेशन होती है, उससे फायदा होता है। अगर आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, इरिटेशन होती है पर लेकिन आप लोगों को फायदा पहुंचाती है। बोलूं कि आप लोगों को अच्छा खासा पानी पीना चाहिए, कई सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, इरिटेट होते हैं, आप लोगों को फायदा पहुंचाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम वो चीजें जो कि आप लोगों को लगता है नहीं करनी चाहिए, रियलिटी में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली होती है। तो इरिटेशन से दूर हटो और हमेशा इनके ऊपर फोकस करो। अभी फोकस ये किया जा रहा है यहां पर कि सेग्रीगेट किया जाए, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट किया जाए, यानी कि कोई ऐसा अगर हजार्ड्स मटेरियल है कोई जो कि यहां पर नुकसान पहुंचाएगा इन्वायरमेंट को और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, उसको भाई साहब अलग कर दो स्टार्टिंग में। तो इसी के चलते अभी कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में अगर हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी जो भी सिटीज है, जितने भी शहर है हमारे देश के अंदर में, अगर सोचो कि हर एक सिटी में से ऐसे ड्रम निकल कर आ रहे हैं, दुनिया भर की बिल्डिंग बन रही है, दुनिया भर के घर बन रहे हैं, सोचो जब उनको मार्केट में उठाकर अगर एक जगह इकट्ठा करने लगे तो इतना बड़ा पहाड़ बनेगा कि माउंट एवरेस्ट भी छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि उनका प्रॉपर एक तरीके से उन्हें एक प्रॉपर रिसाइकल उनका होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। पर एक ऐसा महान हमारे देश के अंदर में एक ऐसी महान सिटी है, वो है इंदौर, जो ये सारे काम प्रॉपर वे में कर पा रही है, डोमेस्टिक हजार्स को भी टैकल करा पा रही है वो। तो ऐसी अगर और सिटी निकल कर आए तो बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो हम लोग इतने देखते ही देखते खत्म कर देंगे। पर लेकिन आसान नहीं होता यार, ये बिल्कुल ऐसे आसान नहीं है। जैसे कि अगर कोई आप लोग बोलो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली आप लोग करनी है, नहीं हो पाती है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, आप लोग खुद देख लो आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर, 50,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, 50 तो मैंने कम बोल दिया, 60,000 के करीब लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और आंसर कितने देते हैं, आंसर देते हैं 500-600 के करीब मैक्सिमम। तो यानी कि आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि पार्टिसिपेट कितने सारे लोग कर रहे हैं। फिर सिलेक्शन किनका होता है, ये घिने चुने सिलेक्शन होते हैं भाई साहब, एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा। बाकी के जो है वो एक तरीके से हाँ चलो सब जुड़ रहे हैं तो हम भी जुड़ जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि दूसरों का आंसर पढ़ तो लेंगे पर अपने आप आंसर देते हैं उनको जोर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, और अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोशिश कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, तो इसलिए दिक्कत देखने को मिलती है। तो सारी चीजें सबके बस की नहीं है, अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग अपने आप को स्पेशल समझो भाई साहब, अपनी पीठ थपथपाया करो अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, क्योंकि सब लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है यहां पर आप लोग देख पाते हैं,
डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आती है उससे यहां पर उठाया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो अभी हमारी कंट्री में 8 ऐसी डंपिंग जो साइट है, बेसिकली 8 डंप जो साइट्स जो है अक्रॉस द कंट्री, उनको अभी फाइनलाइज किया जा रहा है ताकि इस चीज को टैकल किया जा सके। और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे जो हमारी कंट्री के प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं ताकि टॉक्सिक हैवी मेटल और जो भी यहां पर परसिस्टेंट जो ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेशन होते हैं, यानी कि ऐसे जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया जो भी ऐसा कुछ मटेरियल देखने को मिले, तो उनको कैसे टैकल करके आप लोगों को चलना है, तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है, और अगर हम लोगों ने इसको सही कर लिया, आप लोग समझते हैं इनडायरेक्ट वे में हम लोगों ने क्या सही कर लिया, अपनी हेल्थ को सही कर लिया हम लोगों ने, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं अगर ये चीजें हम लोगों ने निपटा ली। तो डोमेस्टिक जहां जहां पर भी जो भी हजार्ड्स देखने को मिलते हैं तो उनको हम लोगों को टैकल करना है। इसमें क्या क्या होंगे, आप लोग की ऑटो की बैटरी होगी, आप गाड़ी मोटरसाइकिल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, ठीक है, इसी के साथ में नॉन अल्काइन जो बैटरीज या फिर पेंट हो गया, तो ये सारे वो चीजें होती हैं जिनको हम लोग यूज करने के बाद फेंक देते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं रहा। आप लोग काम का नहीं रहा है पर लेकिन एनवायरमेंट में तो पड़ा रहेगा ना, वो कोई तो उसको उठाएगा, अगर नहीं उठाएगा तो कहीं ना कहीं गलेगा सड़ेगा, कोई ना कोई आकर पता चला आप लोगों ने कोई फेंक रखा है वहां पर कोई ऐसा प्रोडक्ट, उसके आसपास में खाने पीने का सामान भी पड़ा हुआ है साथ में, ठीक है, सोचो कि गाय खाने आ गई वहां पर, या फिर कोई कुत्ता कोई बिल्ली आकर उसको वहां पर सामान को खा रहा है, तो कल को उसको चलकर दिक्कत होगी। सोचिए वहां पर एक बैटरी पड़ी हुई है, बैटरी का जो इस तरीके का सामान या फिर कोई पेंट पड़ा हुआ है, और वो पेंट जो है वहां पर बिल्ली गई खाना खाने कुछ पड़ा हुआ था रोटी वगैरह, बिल्ली ने उसमें मुंह मारा, अब हाँ तो उसके हाथ पैर कुछ लगा नहीं पर हाँ उसके मुंह पर जो है थोड़ा बहुत पेंट लग गया, अब वो कल को चलकर घरों में आकर घुसती है और घरों में आकर किसी का खाने का सामान रखा हुआ उसको खाती है, पता चला पेंट लगा हुआ मुंह उसने किसी के दूध में डाल दिया और लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया ढंग से, और पता चला उसको फिर गर्म किया और पी गए। तो ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, हालांकि ये रेयर केस है, ज्यादा नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे केस देखने को मिल जाएंगे। जो फेंकेंगे घूम फिर कर वो हमारे ही पास में आने वाला है, ये तो आप लोग ध्यान रखेगा, यानी कि वो नहीं कहते कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपना जो भी बो रहे हो अपने खेतों में यानी कि अपनी जिंदगी में वो एक ऐसा हो कि आप लोगों को फायदा पहुंचे हमेशा, तभी जाकर आप लोग चीजों को टैकल कर पाओगे। तो कल को चलकर यहां पर पृथ्वी के अंदर ग्राउंड के अंदर मिट्टी के अंदर पानी के अंदर ये घूम फिरकर हमारे पास में आना है भाई साहब, हमने ही बोया है ये हम ही काटेंगे। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में कुछ रूल्स हैं जिनको बोला जाता है इनको गवर्न करना है, इनको टैकल करना है। तो इसी के चलते हाउस होल्ड और जो भी कमर्शियल वेस्ट है उसको सेपरेट करना है, रिसाइकिल करने वाला प्रोडक्ट एक जगह डालना है, इनर्ट जो डेब्रीज होता है उसको अलग तरीके से डालना है, ऑर्गेनिक जो भी किचन का प्रोडक्ट होता है एक जगह, और हजार्ड जो वेस्ट होता है उसको अलग डालना है, ट्यूबलाइट फूट गई, बैटरी टूट गई, ईयरफोन टूट गया, ठीक है, मोबाइल टूट गया, वो सारी चीजें आप लोग की अलग डस्टबिन में जानी चाहिए यहां पर, तभी आप लोग चीजों को हैंडल कर पाओगे। डिवाइड तो वैसे दो जगह किया होगा, एक तो ड्राई होता है और एक वेस्ट होता है, जो बेसिकली वेट वेस्ट यानी कि गीला जो पदार्थ यानी कि जो केले के छिलके हो गए, ठीक है, ओनियन या फिर ये सारे इस तरीके की चीजें होती है, टमाटर के छिलके तो बोलूंगा नहीं, ठीक है एक दिन मैंने बोला केला के छिलके बचा गया, सर टमाटर भी बोल दिया करो, मैंने बेस्ट के बारे में पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने कहा टमाटर के भी छिलके बोलोगे टमाटर के छिलके कौन है टमाटर को छिलके खाता है बताना जरा, है कोई ऐसा टमाटर और अंगूर को, अंगूर को तो खैर मैंने भी खाया कई बार छिलके खाया, आप लोगों ने अंगूर को छिलके टेस्ट लगता है कभी ट्राई करना बहुत ही माइन्यूट सा छिलका होता है उसको ट्राई करना पर लेकिन टमाटर को तो नहीं खाया छिलके, ठीक है चलिए जो भी है आगे बात करें तो यहाँ पर ड्राई जो वेस्ट होता है उसको अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से अगर हम लोग डालते हैं यहाँ पर तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, अगर किचन में ही या घर में ही हम लोग चीजों को सेपरेट कर देते हैं तो फिर जो बाहर आता है ये सामान उठाने वाला उसको थोड़ा फायदा देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है, हमारे देश में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो कानून बनाएंगे ना, जो रूल है उनके अंदर यहां पर जैसे कि अगर बात करें जैसे सिगरेट के बर्ड्स हो गए, ये सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको इंक्लूड नहीं किया है, और इसी के साथ में जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से पूरी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, उसमें बात की जा रही है डिस्कार्डेड पेंट ड्रम हो गए, ठीक है, इसी के साथ में पेस्टिसाइड केन हो गई, कंपोजिट फ्लोरिसेंट लाइट यानी कि जो CFL वगैरह आप लोग ये होगी, ट्यूब्स हो गई, ट्यूबलाइट्स वगैरह आप लोग की होगी, एक्सपायर मेडिसिन होगी, ब्रोकन जो मर्करी थर्मामीटर हो गया, देखिए घरों में थर्मामीटर रखते हैं आप लोग, बैटरी वगैरह होगी, निडल सिरिंज होगी, कॉन्टेमिनेटेड गेज वगैरह होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई है, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी बच जाती है जो कवर नहीं है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रूल हम लोग को लेकर आना चाहिए जिसमें कुछ छूट है ना भाई साहब, सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए, वरना कल को जो छूटेगा वो हमारे ही ऊपर आकर पड़ेगा। इसी के साथ में जो यहां पर बोला गया कि जो डिफाइन किया गया है वो एक तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायती राज सिस्टम म्युनिसिपैलिटी प्रॉपर वे में सबको काम सौंपा जाए कि भाई साहब ये है तुम्हारा काम, इसको ऐसे फॉलो करके चलना है आप लोगों। जैसे मैं बोलता हूं ना, अगर आप लोग कोई भी लेक्चर यहां पर देखते हो तो कोशिश किया करो कितना आप लोगों ने सीखा उसको किसी और को सिखा सकते हो क्या, आप लोग उस तक पहुंचा सकते हो क्या चीजें, या तो आप लोग खुद से उसको पढ़ा दो जाकर, दो फायदे होंगे, आप लोगों का भी रिविजन हो जाएगा और सामने वाले को फायदा होगा। दूसरा आप लोग ये कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर पाते तो ये लेक्चर आप लोग उस तक
पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, SLB फैमिली जो है, SLB परिवार भी आगे बढ़ता चलेगा। तो ये सारे काम आप लोग जरूर क्या कीजिए, अपना रिविजन कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है अगर आप लोग अच्छी चीजों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें रूल के हिसाब से आज के में हम लोग, तो वेट ड्राई और जो डोमेस्टिक हजार्स हैं उनकी कैटेगरी हम लोगों ने डिवाइड तो कर दी है, पर लेकिन रियलिटी में उसको ढंग से यूज नहीं करते हैं। लोकल गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देती है। और कर बात करें तो लगभग माना यह जाता है कि ऐसा कोई कलेक्शन सेंटर होना चाहिए लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में, जहां पर अगर बात चाहिए देखने को मिले, ताकि इसको सबको अलग अलग किया जा सके और प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सके। पर लेकिन इस तरीके के ढांचे बनाना ये भी सबके बस की बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि वेस्ट प्लास्टिक पेपर सबको अलग अलग करके अगर रखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से अगर डंपिंग साइट आप लोग बनाओगे, सब कुछ माल पानी एक ही जगह जा रहा है, तो वो फिर गलत तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते कई सारी डिस्पोजल फैसिलिटीज हमारे देश में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी टिपिकल हो जाता है चीजों को हैंडल करना, टॉक्सिक मटेरियल सारे एक जगह मिक्स रहते हैं। तो करेंटली बोला गया देयर आर ओनली 45 फैसिलिटीज हैं अगर बात करें आज के में हमारे पास में, जो इन चीजों को हैंडल करती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहां पर अभी और अच्छी चीजों को और ज्यादा लार्ज स्केल पर यहां पर काम करना चाहिए, ताकि इन चीजों को हम लोग प्रॉपर वे में हैंडल कर सके, है कि नहीं, वरना कल को चलकर ये हमारी रिसाइकिल होकर हमारी बॉडी के अंदर घुसते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बातें बोली गई हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर, और ये एक ऐसा आर्टिकल है रिवोल्यूशन लाने वाला आर्टिकल है, मतलब ये आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है Web3 के बारे में। क्या भाई साहब Web3 आ गया, तो Web2 Web1 भी है क्या, कि ये भी बताओ फिर। हाँ, Web2 Web1 सारी वेब देखेंगे। अभी इंटरनेट के फील्ड में काफी बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर कोई सोशल मीडिया साइट या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट आप लोग खोलते हैं, तो उसमें जाकर लिखते होंगे www.studylovervir@studylovervir.com, ठीक है। तो क्या हो गया, ये स्टडी लवर की वेबसाइट खुल गई। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है, यहाँ पर जो भी ऐसी कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें जो भी डेटा रहता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी आज के डेट में उसको टैगल करती है। जैसे गूगल हो गया, गूगल मैक्सिमम सर्चिंग इंजन का सारा डेटा जो है वो आप लोग को गूगल के पास में देखने को मिलेगा। और जब तक गूगल के पास में सारा डेटा है, तो गूगल को कोई भी टक्कर यहाँ पर नहीं दे पाता है। अब गूगल हमारे डेटा को कैसे रख रही है, क्या वो प्राइवेसी को ढंग से फॉलो कर रही है, डेटा सिक्योर है, या फिर उस डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा गूगल क्या करती है, उसकी खुद की कंपनी का जो प्रोडक्ट है अगर सर्च करोगे तो सबसे ऊपर दिखाई देंगे। तो ये माना जाता है कि गूगल अपना जो मोनोपोली है उसको यूज करती हुई नजर आती है। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। पहले एक बार वेब में डिफरेंस आप लोग समझिए, फिर आप लोग समझ पाएंगे। उससे पहले मैं इंसानों में बताता हूं आप लोग क्या डिफरेंस देखने को मिला। एक टाइम था जब यहां पर ये माना था कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर हुआ करते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ठीक अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट किया, थोड़ा सीधे हुए और सीधे हुए, फिर यहां पर हम लोग पूरे सीधे हो गए। उसके बाद फिर से हम लोग टेढ़े होने स्टार्ट हो गए, और आज के में हम लोग फिर से कंप्यूटर के सामने आकर फिर से उसी कैटेगरी में आ गए जहां से हम लोग स्टार्ट हुए थे। यानी कि इसीलिए कहते हैं पृथ्वी जो है वो गोल है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आज के में मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर जोन के बारे में जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। पहले वेब 1.0 आया, उस टाइम पर लगभग माना जाता था कि अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 2.5 लाख के करीब आप लोगों को साइट्स देखने को मिलती थी जो कि फॉलो करती थी। पब्लिशर कंटेंट को पब्लिश करता था, और यहां पर यूजर जो है उस कंटेंट को बेसिकली आकर रीड कर लेता था अपना, जो भी यहां सामने वाले ने पब्लिश कर दिया हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये काम यहां पर चला करता था, ठीक है। पर लेकिन जब यहां पर इसका सेकंड वर्जन आया, तो ये वाइडली रीड एंड राइट वाली कैटेगरी में आ गया। यानी कि पहले रीड ओनली था, आप लोग जाकर चीजों को पढ़ सकते थे, अब रीड और राइट भी आप लोग यहां पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कई सारी, अगर मैं आप लोगों को बात करूं अपना खुद ही, अगर हम लोग स्टडी लवर वीर के नाम से वेबसाइट बनाए और उस वेबसाइट के ऊपर जाकर डेटा पब्लिश करना स्टार्ट करूं, आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करें, तो आप लोग वहां पर ऐसा नहीं कि जो मैं डेटा पब्लिश करूंगा पढ़ोगे, आप लोग जाकर वहां पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर पब्लिशर तो कंटेंट पब्लिश कर ही रहा है, यहां पर यूजर भी कंटेंट जो है वो जनरेट कर रहे हैं और खुद वो भी यहां पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर 45 मिलियन ग्लोबल यूजर थे 1996 में, यहां 1 बिलियन प्लस ग्लोबल यूजर हो गए, और आने वाले टाइम में अभी बोला जा रहा है 8 बिलियन प्लस से भी ज्यादा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें और ज्यादा वेबसाइट आप लोगों को यहां पर नजर आने वाली है, और यहां पर और लार्ज स्केल पर चीजें जनरेट होती नजर आएंगी। यानी कि अब एरिया जो है वो बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। जब इंटरनेट स्टार्ट किया गया, बेसिक HTML ईमेल वगैरह देखने को मिलते थे। उसके बाद में आगे चलकर सेकंड में आ गए, तो इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आगे आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है भाई साहब चीजों को, प्राइवेट सिक्योर यूजर सेंट्रिक डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो गूगल, ये सारी कंपनी, इनकी जो मोनोपोली चल रही है उसको साइड में उठाकर फेंका जा रहा है, और अभी कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग क्या यूज करें, हम लोग यूज करें ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो थर्ड सिस्टम यहां पर लाया जा रहा है उसमें सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि वेब थर्ड जो है वो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोगों का डेटा जो है वो आप लोगों के पास में रहेगा, कोई भी यहां पर ऐसी
जो वेबसाइट है वो उसको यहां पर आप लोगों के डेटा को यूज करती हुई नजर नहीं आएगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसको क्रिप्टो करेंसी भी आप लोग यूज करते हैं ना जो आज के डेट में, तो उसमें सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में सब कुछ आप लोगों के सेफ नजर आएगा। तो अभी एक नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को इंटरनेट का एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी 5G 6G भी आगे आने वाले टाइम में आने वाले हैं, और इसी के साथ में ऐसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये और प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो बोला यहां पर यही जा रहा है कि यहां पर रीड ओनली आप लोग जस्ट रीड कर सकते थे जब वेब 1.0 था। वेब 1.2 में आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कुछ खुद से भी आप लोग लिख सकते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यहां पर खुद भी आप लोग अपना इनपुट दे सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर या ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर किसी को कुछ ना कुछ सेंड कर सकते हैं। तो यानी कि जो यूजर हो गया वो कहीं ना कहीं क्रिएटर भी बन गया, चीजों को क्रिएट करने वाला बन गया। और फिर जब आगे तीसरे माहौल में आप लोग जा रहे हैं यहां पर, तो कोई इंटरमीडिएटरी रहने वाला है ही नहीं है, ये माना जा रहा है कि बीच में कोई भी आप लोगों को हैंडल नहीं करेगा, आप लोग खुद अपनी मर्जी के मालिक होंगे। जैसे बिटकॉइन को क्रिएट करने में किया जाता है, कोई सेंट्रल बैंक आप लोगों वहां पर देखने को नहीं मिलता है, अपना बिटकॉइन क्रिएट करो, अपने बिटकॉइन को एंजॉय करो, और अपनी सरकार खुद की सरकार। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं इस चैनल पर वीडियो बनाता हूं तो मेरे सर पर कोई नहीं बैठा हुआ है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, यहां पर जब मन करता है वो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो मन करता है वो वीडियो अपलोड करता हूं, और यहां पर जिस टॉपिक का मन करता है उस टॉपिक को पढ़ाता हूं, मुझे किसी को जवाब दे ही नहीं है यहां पर। तो मैं इंडिपेंडेंट होकर आप लोगों के सामने सारे लेक्चर लेकर आ पाता हूं, ठीक है। ये नहीं कोई मेरे सर पर बैठा है कि ये इस टाइम अपलोड करना है, नहीं इतना ही तुमको पढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है, अरे वीडियो इतनी लंबी कैसे कर दी, मैंने तो कहा था छोटी अपलोड करना, ठीक है, अरे पीडीएफ ऐसी क्यों बना दी, मैंने तो कहा था वैसी बनाना, अरे सब बच्चों को सारा सामान दे दोगे तो फिर हम लोग पेड़ क्या बेचेंगे, ऐसा कुछ नहीं आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब दिल्ली के मालिक हम हैं, ठीक है। तो यहां पर जो वेब 3 होगा इसके मालिक आप लोग खुद होगे, कोई आप लोग यहां पर कुछ नहीं बोलने वाला है। तो ये एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है, और ये आर्टिकल यहां पर कवर किया गया था हिंदू के अंदर भी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आने वाले टाइम में और ज्यादा स्पेयर आप लोगों को चीजों का बढ़ता हुआ नजर आएगा, और ज्यादा चीजों को आप लोग इंजॉय कर पाओगे। तो इसके चलते कई सारी और भी फायदेमंद चीजें देखने को मिलेगी, और टेक्नोलॉजी का यूज जितना ज्यादा बढ़ेगा उससे और ज्यादा चीजें आप लोगों को अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा यूज इनका होता है उतने ही अच्छे लेवल पर फिर जनता को भी फायदा होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि आप लोग खुद अपनी चीजों को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, है कि नहीं? तो कैसा लगा ये, अच्छा है कि नहीं है? तो आने वाले टाइम में ये एक प्रोडक्टिव, अगर वेब 3 के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो इसके बारे में याद रखिएगा, जिसके चलते इंटरमीडिएटरी को रिमूव करने की बात की जा रही है, और डिसेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है, और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की बात की जा रही है। तो डिसेंट्रलाइज जैसे ही हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और इतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या है, यहां पर बोला यह गया कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी जब यहां पर निकल कर आएगी, तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनोमस और ऑर्गेनाइजेशन जो DAO है यहां पर, उसके हिसाब से चीज आप लोगों को हर एक इंसान जो है अपने हिसाब से अपनी चीजों को अपनी ऑथोरिटी अपने हाथ में रख पाएगा और ऑथेंटिकेट कर पाएगा। अगर किसी को डेटा चाहिए भी तो किस लेवल पर उसको प्रोवाइड यहां पर कराना है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि चीजें जो है वो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ को आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो यहां पर कुछ और बातें अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा और अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो वेब जो यहां पर, एक मिनट, जो वेब यहां पर वेब 1.0 जो था ये 1999 में यहां पर जो चीजें थी यहां पर वो उस तक चला और स्टार्ट होता 1989 से, और यहां पर फिर आगे चलकर पॉपुलर हो गया था 1993 में। इसी तरीके से यहां पर आगे चलकर फिर 1990s के बाद में यहां पर 2004 में आते यहां पर वेब ये आ गया 2.0 आ गया, और फिर इसकी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई, इसी में सोशल मीडिया आकर जुड़ गई और काफी सारी चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। अभी यहां पर वेब जो 3 आ रहा है ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 2007-06-07 से स्टार्ट हो गई थी चीजें, अभी इस लेवल पर आकर डेवलप हो चुकी है, अब हम इनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अब नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। पर लेकिन दिक्कत क्या होता है, जैसे आज के दिन बात करें ना, नॉर्मली से कंपनी है, आप लोग फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पर जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये एक एक डेढ़ घंटे के, आप लोग क्या लगता है ये यूट्यूब पर पड़ी हुई है? पिछली मैंने पॉलिटी जब अपलोड की थी लगभग 4 साल पहले, आज भी पॉलिटी की वीडियो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, आज भी तुम जाकर देखोगे तो ऐसी की ऐसी मिल जाएंगी। क्या आप लोगों को पता है इसके पीछे का राज क्या होता है? इसके पीछे का राज ये कि यूट्यूब ने बड़े बड़े ऐसे प्लांट बना रखे हैं जहां पर वो बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगाकर इन सारे डेटा को सेव करता है, ताकि कभी भी आप लोग इसको यूज करना चाहो तो वहां से तुरंत आप लोगों के सामने वो निकल कर आ जाए, यानी कि हमेशा यहां पर ये सेव रहेगी। कल को चलकर अगर किसी ने बम्बार्डमेंट कर दी यहां पर, कोई यहां पर इस तरह का काम कर दिया, सारा डेटा यहां पर उड़ा दिया, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से इनको रखा जाता है, ये फैसिलिटी जहां पर डेटा आप लोगों का स्टोर किया जाता है, तो ये आसान काम नहीं होता है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, हम लोग अपनी कंट्री में डेटा को स्टोर करना है तो एक प्रॉपर टेम्परेचर की बात करती है, कितनी नमी होनी चाहिए वातावरण में वो देखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है वो इंडिया में डेटा को बेसिकली सिक्योर करने से, सेव करने से बचती है, ठीक है। तो ये पूरा इशू हो गया, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा, डिटेल में बता दिया।
फीडबैक जरूर दिया करो लेक्चर के एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो बताया करो कि हाँ सर ये कंफ्यूजन है, इसको इस तरीके से बताना चाहिए था। यार आप लोग भी काम कर सकते हो एक तरीके से कि मेरे को फीडबैक देने का, ठीक है। जैसे आप लोग जब मेल पढ़ता हूँ, मैसेज पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो मेल आईडी है studylovervir@gmail.com उसी पर सेंड किया करो। एक पुरानी मेल आईडी है, कई बार मैं देखता हूँ उसको 15-15-20-20 दिनों में, फिर उससे भी ज्यादा टाइम में खोलता हूँ तो वहां पर कई सारे मेल पड़े मिलते हैं। नहीं यूज कर रहा हूँ भाई साहब उस मेल आईडी को, studylovervir@gmail.com मेल आईडी है, उसको आप लोगों को याद रखना है और उसी पर ही सेंड करनी है सारी चीजें, ठीक है। इसीलिए वो आप लोगों के लिए बनाई गई थी। ओके आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों से बात किया था यहाँ पर एक पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में, जिसको बोला गया था स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज, यानी कि जो लोग सड़कों पर आज के में हैं तो कैसे ऐसा बनाया जाए कि लोगों के आने जाने के लिए उसको एक शांत एक अच्छी सिटी बनाया जा सके, ताकि वॉक फ्रेंडली स्ट्रीट यहाँ पर बनाई जा सके। तो ये चैलेंज जो था ये स्टार्ट किया गया था नवंबर 2020 में। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउस एंड जो अर्बन अफेयर है उसके द्वारा 11th जो विनिंग सिटीज हैं उनके नाम यहाँ पर लाए हैं, और इसी के साथ में 10th जो विनिंग सिटीज हैं उनके नाम लाए हैं, खासकर नर्सिंग के मामले में नर्सिंग नाइबरहुड चैलेंज, और इसी के साथ में यहाँ पर स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज, यानी कि सड़कों पर जो भी चीजें चल रही है उसको कैसे टैकल करना है। तो ये पीआईबी में पूरा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अभी इसका नेक्स्ट सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोला था ना ये सीजन 2 हो गया इसका, क्यों? क्योंकि 2020 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। पहला तो फंडा ये है कि अपनी गलियों को कितना साफ सुथरा आप लोगों को बनाना है, ताकि वहां पर लोग जो है आसानी से बैठ सके। सड़कों पर नहीं है कि अपनी चारपाई और खाट डाले सड़कों पर बैठे हुए, कुछ भी ड्रामा सड़कों पर चल रहा है, लोगों को आने जाने में तक दिक्कत होने लगी है, तो वो माहौल थोड़ा सा चेंज वहां पर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है यहां पर ये बोला गया कि एक तरीके से जो एक तरीके से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से नर्चर करना है, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर अपने आसपास वाला एरिया उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं हम लोग, और ये नर्सरी नहीं है नर्सरी है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से पोषण करना, एक तरीके से साफ सुथरा रखना अपने आसपास में, वो बात की जा रही है। तो यहां पर जैसे इंदौर हम लोगों ने काफी प्यारी सिटी बनाई, ऐसे ही क्यों ना हम लोग सारी चीजों को अपने आसपास में प्यारा बनाए, तो उसके ऊपर फोकस यहां पर किया जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द यंग जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, उसको कैसा अच्छा बना सकते हैं, तो बात की जा रही है कि जो भी यहां पर जो स्मार्ट सिटीज हैं या फिर अदर सिटीज है जहां मोर देन जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो बहुत सारी पॉपुलेशन खासकर रहती है, खासकर जो बड़ी बड़ी स्टेट की कैपिटल्स होगी उनके बारे में बात करूं, नॉर्मली 5 लाख के करीब यहां पर बोला गया है अगर आप लोग उसको काउंट करो, तो कैसे हम लोग उनको साफ सुथरा रख सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, रीइमेज करना है, इसी के साथ में इंप्रूव करनी है, एक्सेस अडेप्ट करना है पब्लिक स्पेस को, और क्रिएट करना है एक्सेसिबल सेफ और वोकेबल स्ट्रीट, ताकि लोग जो है आ जा सके। यानी कि सड़कों पर चलकर वहां पर कोई ठेला लगाया बैठा है वहीं पर ही कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, कोई वहां पर कपड़े बेच रहे हैं वहीं पर ही कोई अपना साइकिल गाड़ी खड़ी करके चला गया, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को जब कई बार मैंने पहले बताया कि दिल्ली के अंदर में एक बिल्डिंग में रहा करता था और 5वें फ्लोर पर था मेरा बेसिकली जो फ्लैट था, उसमें क्या था वहां पर अगर बात करूं तो नीचे जो था हालांकि गली चौड़ी थी काफी ज्यादा, मतलब नॉर्मल गलियों से वो काफी ज्यादा चौड़ी गली थी, वो इतनी चौड़ी गली थी कि दोनों साइड में यहां पर लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर ले रहे थे, ठीक है, और उसके बाद भी यहां पर जगह बच जा रही थी लगभग कि इंसान जो है आराम से वहां पर निकल सके आराम से जा सके, यानी कि इतनी थी वो चौड़ी गली कि आराम से वहां पर दो गाड़ी अगर बराबर में खड़ी कर दे रहा है इंसान तो फिर भी वहां पर जगह बच जा रही थी, पर लेकिन इतनी जगह नहीं थी कि दो गाड़ी खड़ी करने के बाद में तीसरी भी गाड़ी निकल जाए, उतनी जगह वहां पर नहीं थी। तो हुआ क्या, बिल्डिंग के अंदर आग लग गई जब वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उस टाइम पर देखा गया किसी ने अपनी गाड़ी नहीं उठाई और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हवाई जहाज बनकर आएगा जो वहां पर वो फायर ब्रिगेड वाला और आकर इनकी आग बुझाएगा। तो ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये जरूरी है कि कम से कम अगर कहीं तो ऐसी दिक्कत बढ़ती है तो लोगों की जान ना जाए तो उसको रोका जा सके। तो इसके चलते हमारी कंट्री में अदर इनिशिएटिव है, जैसे कि इंडिया जो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज है, इनके गाड़ी क्यों रखते हो जब रखने के लिए जगह नहीं, तो क्यों ना साइकिल रख लो आप लोग। दूसरा यहां पर एक क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क तो 2.0, तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन हम ही हरकतें कुछ ऐसी करती रहते हैं जिसकी वजह से चीजें जो है प्रॉपर वे में नहीं चल पाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है ये यहां पर हम लोग बात करेंगे ओपन डेटा के बारे में, जो मैंने आप लोगों से बहुत बात की थी कि अगर डेटा ओपन रहे तो क्या लोगों को फायदा हो सकता है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर जो है वो लोगों को एनकरेज कर रही है ताकि ओपन डेटा प्रमोट किया जा सके, इनोवेशन की फील्ड में भी हम लोग इसको आगे लेकर चल सके और देखिए लोगों के लिए यहां पर फायदा भी देखने को मिल सके। यानी कि जैसा मैंने बोला ना अभी लेक्चर जो है अगर मान लीजिए यहां पर ये लिमिटेड लगा दीजिए कि हाँ जिन्होंने जो भी मेंबर है बस उन्हीं के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने मेंबरशिप ज्वाइन की है, सर मेंबरशिप में आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? यार ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेंबरशिप में आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे मेंबरशिप जो होता है, जो ज्वाइन का बटन नहीं होता, आप लोग ज्वाइन करते हैं उससे जो भी पैसा आता है, तो जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला था किताब देनी स्टार्ट की थी मैंने, तो अभी बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चों को किताब दे रहा हूं और अभी इतने सारे पेंडिंग पड़े हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ठीक है।
लिमिटेड यार चीजें रहती हैं तो लिमिटेड ही कर पाता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इतने दिनों से मैसेज कर रहा हूं अब तक मुझे किताब नहीं मिली। यार ऑलरेडी आपसे पहले तीन तीन चार चार महीने के लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। इतने सारे बच्चे रेगुलरली जो है मेल करते हैं, आप लोगों को पता है कितने सारे बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं। सोचो अगर एक बच्चे को डेली एक भी किताब प्रोवाइड कराऊं तो कितना सारा पैसा बैठ जाएगा। सोचो 500-600 रुपए की किताब है और एक बच्चे को डेली एक किताब मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो सोचो आप लोग यहां पर कि क्या उसका खर्चा निकल कर आता है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं जितना मैं प्रोवाइड कराता हूं, जैसे मेरी जो अर्निंग होती है उसमें से मैं कोशिश करता हूं 5-10% तक मैं यहां पर काम कर देता हूं। COVID-19 में तो मैंने यहां पर 40-50% भी पहुंचा देता है, इसको इतनी बुरी दिक्कत देखने को मिल गई थी मुझे, मतलब मेरे खुद के सर्वाइवल के लाले पड़ने लगे थे, ठीक है। मैंने कभी कभी इमोशनलिटी में हो जाता है काम और कई सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि मतलब चाहकर भी चीजें नहीं रोक पाता हूं, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीज देखने को मिल जाती है, तो ये ऐसा नहीं है कि यार मैं आप लोगों को वहां पर कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं। हाँ ये है कि उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ताकि जो भी बच्चों की मैं हेल्प कर पाता हूं वो हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई रिवेन्यू का अलग से कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ अलग से कुछ कमा रहा हूं यहाँ पर। कोई ऐसा भी पेड कंटेंट भी नहीं है कि मेरे पास से पैसा काफी आ रहा है और मैं आप लोगों की जब आप लोग बोलो आप लोगों की हेल्प कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम कॉस्ट भी नहीं रख रखी है मैंने कोई किसी भी चीज के लिए कि हाँ ये मिनिमम कॉस्ट है इसकी, आप लोग कॉस्ट पे करनी है और उसके बाद में कुछ होता है। तो इसलिए वहां पर वो एक फ्री वॉलंटरी सर्विस है अगर आप लोगों को लगता है, पर वो मैं इसलिए नहीं कहता हूं, वो आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हो तो ही आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करो, ताकि यहां पर अगर आप लोग एक तरीके से नहीं अपने पेरेंट्स के पैसे हैं उनको आप लोग बेसिकली उसके अंदर कंट्रीब्यूट मत करो। मैं आप लोगों को यहां पर ये भी सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अपनी खुद की कमाई में से देना चाहिए, मां बाप की कमाई को ढंग से यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। जब कमाने लगोगे तब अपनी कमाई में कोशिश करना कि जहां पर भी आप लोगों को लगे सुटेबल 5-10% आप लोग अपनी कमाई का जो है हर महीने किसी को अगर आप लोग इस तरीके से डोनेट कर देते हो तो आप लोगों को अलग से एक एनर्जी अंदर से फील होगी, क्योंकि पैसा यार यहीं पर रह जाएगा। सारी चीजें इंसान जाता है ना एक सुई की सीख सुनने के लिए, मेरे दादाजी बोला करते थे कि एक जब इंसान जाता है धरती पे से तो वो एक सुई नहीं छोटी सुई होती है जो सीलने का काम करती है, उसकी नोक का भी जितना सामान अपने साथ में लेके नहीं जा सकता। तो हम लोग है ही क्या हमारी औकात अगर ढंग से देखा जाए तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि समाज में जितना कंट्रीब्यूट कर सको अपने पास से, ऐसे नहीं घर वालों के हिसाब से, तो अपने हिसाब से जितना कंट्रीब्यूट कर सको तो वो जरूर किया करो, ठीक है। किसी की पढ़ाई में हेल्प कर दी, ठीक है। कोई नंगा घूम रहा है उसके पास में कपड़े नहीं है सर्दियों में, उसको कपड़े दे दिए। कोई खाना है नहीं खाना दे दिया। पैसे किसी को मत देना जिंदगी में, पैसे किसी को भी मत देना जिंदगी में, क्योंकि पैसे किसी को देगा तो आप लोग एक तरीके से उस इंसान को ना करवा इंसान बना दोगे आप लोग उस इंसान को, ठीक है। वो कहते हैं कि मछली पकड़ना सिखाओ ना कि उसको एक तरीके से मछली पकड़ पकड़ के खिलाओ। तो पैसे कभी भीख में किसी को नहीं देने, किसी को पैसे नहीं देने। वो एक अलग बात है कि एक बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी को मर रहा है उसको नहीं कुछ सामान लेना है कुछ इस तरीके की चीजें, वो एक अलग चीज हो जाती है। पर वैसे पैसे कभी किसी मत को नहीं देना कि कोई भीख मांग रहा है उसको पैसे दे दो, ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। आप लोग उसको फायदा नहीं उसको बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ओके। और इसी के साथ में एक बात और ध्यान रखना जो छोटी सी हालांकि कभी कभी ज्यादा हो जाता है, एक छोटी सी बात और ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आप लोगों को एक ऐसा है कि आप लोगों के पास है मान लीजिए 5,000 रुपए, ठीक है। ये 5,000 रुपए देकर आप लोग 5 लोगों का फायदा कर सकते हो, और उन्हीं 5,000 रुपए अगर एक इंसान को दे दो तो एक इंसान का फायदा हो। तो कोशिश करना कि 5 लोगों में 5,000 रुपए देना, ना कि एक इंसान को देना। इससे 5 लोगों का घर बसेगा और यहां पर एक इंसान का। तो ये कई बार मेरी जिंदगी में ऐसा, कई बार जब मैं किसी की हेल्प करता हूं तो मेरे पास में कई बार ऐसी चीजें आ जाती है कि मतलब नहीं इंसान जो है वो असमंजस में पड़ जाता है कि यार इसको देना चाहिए फिर इसको देना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे। तो 5 लोगों को फायदा पहुंचाना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अगर एक इंसान को आप लोग 5,000 रुपए दे रहे हैं और 5 इंसान को अगर आप लोगों ने यहां पर 10 बुक भी प्रोवाइड करा दी तो उससे फायदा देखने को मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया जो मैं खुद अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूं, आई होप कि आप लोगों को कुछ फायदा होगा, तो इसलिए बता दिया। वैसे तो आप लोग समझदार हुई हो, भूलने कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये आर्टिकल किया गया और यहां पर ओपन डेटा वीक के बारे में बात की गई। तो ओपन डेटा वीक जो है ये 17-21 जनवरी तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि आगे चलकर हमारी कंट्री स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए डेटा अवेलेबल होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर डेटा रहेगा तभी उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा, तो इसी के चलते इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ओपन डेटा जो यहां पर ये रखा जा रहा है इसका मतलब क्या है कि फ्रीली यूज है अवेलेबल डेटा, यानी कि मैंने बोला पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, कोई भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए उसे, ठीक है। लेक्चर प्रोवाइड करा दी, मंथली वीडियो प्रोवाइड करा दी, पॉलिटी प्रोवाइड करा दी, आदि इकोनॉमी के लेक्चर प्रोवाइड करा दिए, कोई भी उसको पढ़ सकता है। वो यहां पर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास में कोई ऐसी टीम भी नहीं है कि जिसकी मुझे सैलरी पे करनी पड़ती है। मैं कोई वेबसाइट मेंटेन नहीं कर रहा हूं उसका मुझे कोस्ट देनी पड़ती है, मैं कोई ऐप नहीं चला रहा हूं उसकी मुझे कोस्ट देनी पड़ती है। मैं अपने घर पे बैठा हूं तो जो मेरा खुद का खर्चा आता है बिजली का बिल मैं वही दे रहा हूं, उसमें मेरा काम चल जा रहा है, मेरा जो भी रेवेन्यू है, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा कोस्ट नहीं है। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने अवेलेबल इस तरीके से हैं कि आप लोग हर एक इंसान उसको यूज कर सकता है, रीयूज कर सकता है, और इवन आप लोग उनको डाउनलोड कर भी दूसरों को बता सकते हैं, लेक्चर के लिंक शेयर कर सकते हैं। ये सारी बात है, फ्रीली यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सारा आप लोगों के पास में यहां पर देखने को मिलेगा। तो अवेलेबल है, रीयूज कर सकते हैं, और इसमें
यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन है, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये होता है बेसिकली, यानी कि एसएलवी फैमिली जो है आप लोगों के सामने, वो इसी चीज का आप लोगों को यहां पर एक अच्छा खासा उदाहरण नजर आ जाएगा, जिसको ओपन सोर्स बोला गया है। तो ओपन सोर्स का ये बिल्कुल एक ऐसा उदाहरण है जिसको आप लोग फील कर पा रहे हैं आज की डेट में, और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी यहां पर एक प्रॉपर वे में। जो भी चीजें हैं आप लोगों के सामने है, जो भी करता हूं बता देता हूं कि शाम को एक वीडियो आएगी 6:30 बजे, वो सुबह को आएगी 6:30 बजे, और शाम को आएगी 8:30 बजे, या कोई भी मुझे लगता है ऊपर नीचे चीजें हो रही है तो आप लोगों को वहां पर तुरंत टेलीग्राम पर उसके बारे में चीजें प्रोवाइड करा देता हूं, तो ट्रांसपेरेंसी भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी यहां पर, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सारी चीजें सही तरीके चल रही हैं। अगर कोई मनी आ रही है यहां पर, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी आप लोगों से पैसा आ रहा है तो वो यहां पर उसमें बेसिकली जो 5-10% मैं अपने पास से डालकर लोगों को बुक्स वगैरह या फिर जो भी मुझे लगता है वो प्रोवाइड करा देता हूं। क्योंकि यार मुझे ना हमेशा लगता है कि कभी भी ना एहसान नहीं रखना चाहिए। अगर किसी का जिंदगी में एहसान रखोगे ना, मान लीजिए किसी ने आप लोगों को मनी दी, ठीक है, और आप लोगों ने उसको उसके बदले में कुछ दिया नहीं, तो ये फिर ऐसा रह जाता है कि एक तरीके से वो आप लोगों को भापेगा नहीं। और ये कहते हैं हराम की कमाई, तो हराम की कमाई हमेशा इंसान को बर्बाद करती है। तो हमेशा अपनी मेहनत की कमाई रखोगे ना, शाम को भाई साहब चद्दर तान के सोओगे और बिस्तर पर पड़ती नींद आ जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे 5-7 मिनट लगती है बिस्तर पर पड़ने के बाद में नींद आने में, मतलब पता ही नहीं रहता कि कहां चला गया, और सुबह को फिर एकदम खुमखरड़ वाली नींद खुलती है। तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले, तसल्ली में सोता हूं भाई साहब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे मल्टी डायमेंशनल आप लोग कोरिलेशन यहां पर देखने को मिल जाते हैं। करंट और हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंटल के बारे में बात करें, तो हर डायमेंशन में आप लोग यहां पर एक तरीके से अगर कल को अर्बन प्लानिंग हम लोगों को करनी है तो ये डेटा काफी प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर टेलर यानी कि अनुरूप सॉल्यूशन मिल सकता है, लीगल फ्रेमवर्क हम लोग तैयार कर सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से, जैसे यंग जनरेशन कितनी है उनके लिए क्या प्रोवाइड कराना है, तो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर हम लोग चल सकते हैं। अच्छा ये एक्शन है, इसके लिए अप्रोच हम लोग को लेकर चलनी है। एस्टिमेट लगा सकते हैं कहां कहां पर क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है, अगर डेटा ही नहीं होगा तो कैसे हम लोग उसके बारे में हम लोग चेक कर पाएंगे। तो ओपन डेटा की एडवांटेज बेसिकली यहां पर ये बताई जा रही है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इफिशियंट है कौन सा इनइफिशियंट है, तो ये चीजों का हम लोग पता लगा सकते हैं। पर लेकिन अगर हमारे पास में डेटा नहीं होगा तो कैसे पता चलाएंगे। इसी के साथ में एनवायरमेंट के लिए क्या सस्टेनेबल है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर डेमोक्रेटाइजेशन करना डेटा का, तो ये काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए अगर चीजें अवेलेबल है तो। इसलिए बोला गया था COVID-19 की इतने सारे लोग दवाई क्यों बना पाए, आप लोगों को पता है, क्योंकि कई सारे साइंस के इतने बड़े बड़े जर्नल हैं जहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट छापते हैं। वो पहले ऐसा था कि पैसा देकर आप लोगों वहां से उसको लेना पड़ता था, उसको कुछ टाइम के लिए अगर फ्री प्रोवाइड करा दिया गया तो इतना रिजल्ट देखने को मिले। और हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है उसके लिए और फिर सबको वो डेटा प्रोवाइड करा देती है, तो इसलिए इतनी सारी दवाई इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। वरना क्या होता है, वरना फिर होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पर लेकिन अगर हकदार इंसान राजा बनने लगे तो वो कैसा है, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो चीजें इतनी अफोर्डेबल करा दो प्रोवाइड ताकि लोग जो है उसको खरीद सके। अगर पैसा देकर लोग खरीदेंगे तो उनको अंदर से इज्जत फील होगी, उनको ये नहीं लगेगा फिर में प्रोवाइड करा रखी है सामने वाला एहसान दिखा रहा है। नहीं, उनको भले ही आप लोगों ने एक तरीके से मान लीजिए 50 रुपए का खाना है, तो 50 रुपए का खाना आप लोग उसको 10 रुपए का दे दो, तो 10 रुपए का इंसान खाना खरीद लेगा, तो उससे ये रहेगा अपना पैसा देके उसने खाना खाया, ना कि किसी ने उसे भीख में फ्री में खाना दे दिया। तो इससे एक इंसान अपनी ग्रेविटी बनाए रखता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग देखते हैं, तो अफोर्डेबल प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये था पूरा आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पहला आर्टिकल हम लोगों ने टेक्सटाइल के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, ठीक है। इसी के साथ में आगे हम लोग बड़े टेक्सटाइल को कवर करते हुए डिटेल में, नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोगों ने यहां पर कवर किया वो हम लोगों ने यहां पर बेसिकली देखा, ये था हजार्स के बारे में। और टेक्सटाइल में मैंने आप लोगों को ये HSN बनाया, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में आगे नेचुरल हजार्स के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। तो इसी के चलते नेक्स्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया Web3 के बारे में, मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, कहां कहां पर क्या क्या चीजें आ रही है निकलकर, इंटरनेट कैसे बढ़ा और हम लोग क्या थे और क्या हो गए, कहां से क्या हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने, डेटा कहां कहां रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ में सिटी ऐसी रखनी है ताकि घूम सके, चीजें सारी चल सके। इसी के साथ में डेटा, मैंने बात की ओपन डेटा के बारे में, तो ये तो पूरा अपने SLV फैमिली के साथ में लेक्चर हो गया आप लोगों का, मिलते मिलते इस तरीके का कवर हो गया, ठीक है। तो ये था आप लोगों के सामने टोटल सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो ये सारे क्वेश्चन इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, एक एक पॉइंट का आंसर आप लोगों को बताएं। देखिए जो भी आर्टिकल आप लोगों के बचे हैं ना, मैंने बोला था जैसे, तो आप लोगों के संडे में जो लेक्चर आएगा उसमें आप लोग कवर कर लूंगा, तो टेंशन मत लेना, संडे का लेक्चर प्रॉपर वे में देख लेना, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो इनको अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज करके, और तब तक मैं आप लोगों यहां पर नेक्स्ट जो बेसिकली यहां पर लास्ट वाला क्विज है वो आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है।
तो यहां पर बताना था कि नंबर ऑफ बिलियनर के बारे में बात की थी, इसी के साथ में कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा बिलियनर आप लोगों को देखने को मिले थे वो बात की थी, कितने कितने बिलियनर यहां पर बढ़कर आए, अभी हमारी कंट्री का चाइना के साथ में व्यापार के बारे में बात की थी कि हमारा कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट है, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसी के साथ में डेरा सचखंड बल्ला के बारे में हम लोगों ने बात की थी, यहां पर ये यहां पर पहले अभी गुरु ग्रंथ साहिब को रिप्लेस करके क्या यूज कर रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर प्रोग्राम कौन सा था जिसमें यहां पर जो कि हम लोगों ने बात की थी 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को गाइड किया जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बात करती है। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने एक ये आर्टिकल आप लोगों का है, ये संडे में मैं कवर कर लूंगा काफी डिटेल में क्योंकि लंबा आर्टिकल है, लगभग मुझे लग रहा है 20 से 22 मिनट लेगा ये आर्टिकल, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा यहां पर, इसको डिटेल में कवर कराऊंगा संडे में, ठीक है, तो इसको पकड़ के अच्छे से ओके। और ये हमने बात की थी यहां पर डोमेस्टिक हजार्स के बारे में हमारा हो गया आज। इसी के साथ में यहां पर इनइक्वालिटी के बारे में बात की थी, तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग देखते हैं, ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट है इनइक्वालिटी किल्स, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, इंदौर यहां पर ये सिटी है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ ग्रेव कमीशन वो यहां पर डिसाइड करते हैं इन सब के बारे में जो मैंने आप लोग से डिस्कस किया। इसी के साथ में यहां पर ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देश के मेंटर के बारे में बात की थी हम लोगों ने प्रोग्राम के बारे में, और यहां पर ग्रंथ अमृतवाणी, तो याद रखिएगा यहां पर ये गुरु ग्रंथ साहिब को रिप्लेस करके ग्रंथ अमृतवाणी यूज करते हैं, और 100 बिलियन लगभग हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से और काफी कम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं कहां पर चाइना में, फिर यूएसए में और फिर इंडिया के अंदर में, तो ये भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा फीडबैक देकर जरूर जाएगा, और मॉर्निंग में जो उठ रहा है उसको सैल्यूट है, इतनी ठंड में अगर मॉर्निंग में उठकर आप लोग लेक्चर देख पा रहे हैं तो ये काफी बड़ी बात है। एक बच्चा बोला सर आप जब बना सकते हो तो हम देख सकते हैं, यार देखो उसके लिए ना थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, हर एक इंसान ये काम कर नहीं पाता है नॉर्मली देखा जाए, जो अगर बिजी है अलग से उसका तो अलग समझ में आता है, पर लेकिन ये काफी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आज तो आखिर आपने उठा ही दिया, तो बड़ी बात है अगर आप लोग उठ पा रहे हैं तो ये आप लोग की हिम्मत है, तो सैल्यूट है आप लोगों को, अपनी पढ़ाई के लिए आप लोग उठ रहे हैं, किसी और चीज के लिए नहीं, ये आप लोगों को सही जगह पर लेकर जाएगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट रहो, सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।